जोधपुर की जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा और कहा जा रहा है कि राज्यपाल कलराज मिश्र अध्यक्षता करेंगे कार्यक्रम की। हालांकि आज होने वाले दीक्षांत समारोह का छात्र संगठन बहिष्कार कर रहा है। छात्र संघ का आरोप है कि विश्वविद्यालय की तरफ से जो पुराने छात्रों को यहां पर डिग्रियां दी गई थी उन सभी डिग्रियों पर फर्जी हस्ताक्षर थे और उन हस्ताक्षर की वजह से उन डिग्रीज को आरपीएससी हो या यूपीएससी दोनों ने वापस करवा दिया था। छात्रों को कहा था कि फर्जी हस्ताक्षर वाली डिग्री है, ये नहीं चल सकती है। ऐसे में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये कहना है छात्र नेताओं का। और छात्र संघ इस मामले पर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। जो दीक्षांत समारोह हो रहा है छात्र संघ उसका विरोध कर रहा है। विरोध करने का मुख्य कारण ये है कि जो पुराने हमारे जो भूतपूर्व छात्र थे, जो सीनियर्स थे हमारे, वो यहाँ से जो डिग्रियां, इवन यहाँ तक कि हम जो डिग्रियां जो लेके जा रहे हैं, मार्कशीट से लेके जा रहे हैं, उन पे पूरी तरीके से फर्जी सिग्नेचर किए गए हैं। जिनके पास ये अधिकार भी नहीं था उनके भी सिग्नेचर उस पर कराए गए हैं, जिसके कारण आरपीएससी और यूपीएससी ने वो डिग्रियां स्टूडेंट्स को वापस दे दी और उनको मुंह लटका के वापस विश्वविद्यालय की तरफ आना पड़ा। और विश्वविद्यालय ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की, नहीं जिनके पास इतना अधिकार भी नहीं है वो कैसे ये सिग्नेचर कर सकते हैं।